25 जून को इटावा होकर गुजरेगी महामहिम की ट्रेन, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। 25 जून को महामहिम राष्ट्रपति कानपुर दौरे पर रहेंगे, दिल्ली से चलकर रेल मार्ग द्वारा कानपुर पहुंचेंगे। इस दौरान उनकी ट्रेन इटावा जनपद में पड़ने वाले रेलवे ट्रैक से होकर गुजरेगी। महामहिम की ट्रेन को सकुशल जनपद से पास कराने के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। SSP वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ब्रजेश कुमार सिंह ने ADM जयप्रकाश, SP सिटी प्रशांत कुमार, SP ग्रामीण ओमवीर सिंह, SDM सदर सिद्धार्थ और अन्य पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ रेलवे परिसर का निरीक्षण किया। SSP ने बताया कि महामहिम राष्ट्रपति की ट्रेन का सकुशल पास कराने के लिए सभी तैयारियां कर ली गई है। उन्होंने बताया कि पुलिस प्रशासन और GRP RPF के अधिकारियों के साथ रेलवे ट्रैक और स्टेशनों का निरीक्षण किया गया है ताकि ट्रेन पास होते समय कोई व्यवधान ना आए। सभी क्रॉसिंग और अन्य पॉइंट चेक किए गए हैं, साथ ही पर्याप्त पुलिस बल भी तैनात किया जा रहा है। देखिए, दिनांक 25 को VVIP कार्यक्रम है, उसके मद्देनजर आज पुलिस प्रशासन, GRP RPF और रेलवे की टीम पूरी सबके द्वारा रेलवे ट्रैक, स्टेशन, सभी क्रॉसिंग का भ्रमण किया गया, कहीं किसी प्रकार की समस्या ना आए VVIP प्रोग्राम में, उसके लिए पर्याप्त फोर्स सारे पॉइंट कवर करते हुए लगाए गए, साथ ही कोई व्यवधान ना आए इसके लिए तैयारी की जा रही है। और सभी तैयारियां अभी तक जो हैं पूरी तरीके से कुशलता है और आगे भी अब लगातार ड्यूटी चलती रहेगी। देखिए, VVIP कार्यक्रम है महामहिम राष्ट्रपति जी का, उस संदर्भ में ये सारी टीमें लगाई गई हैं ताकि सकुशल जो है VVIP को यहाँ से प्रस्थान कराया जाए, क्योंकि उनका गंतव्य स्थल कानपुर है। इटावा से होकर औरैया होते हुए कानपुर जाएंगे, रास्ते में कहीं किसी प्रकार का अवरोध ना हो और कोई बात ना आए, इसके लिए पूरी टीमें मुस्तैदी के साथ। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए इटावा से नीलकमल की रिपोर्ट।